कमर में लोहे की जंजीर में ताला लटकाकर यूपीपी की परीक्षा देने पहुंची युवती, लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खोला ताला। परिजनों ने कहा, खोल दिया तो आ जाएगी तबाही। कमर में मिली लोहे की जंजीर को लेकर युवती के पिता ने बताई ऐसी कहानी कि मौके पर मौजूद हर शख्स का सूख गया गला। वजह जानकर पुलिस कर्मियों के भी उड़ गए होश। आखिर लड़की ने क्यों कहा नहीं खोलूंगी ताला, भले ही छोड़ना पड़ जाए पेपर। कड़ी निगरानी में मिली पेपर देने की इजाजत। वीडियो में समझें पूरी बात। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान अंतिम दिन एग्जाम केंद्र पर एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां पहली पाली की परीक्षा में शामिल होने आई एक महिला अभ्यर्थी की जब जांच की गई तो वो लोहे की चैन को ताले में बंद करके कमर में लटका रखी। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब चैन निकालने को कहा तो महिला अभ्यर्थी ने कहा कि इसे नहीं निकाल सकती, भले ही परीक्षा छोड़नी ही क्यों ना पड़ जाए। गेट पर खड़े परिजनों ने भी आकर कहा कि ताला मत खोलिएगा, नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। काफी देर तक अभ्यर्थी को किनारे खड़ा रखा गया। बाद में उच्चाधिकारियों से बात करने के बाद कक्ष निरीक्षक की विशेष निगरानी में उसे परीक्षा देने की इजाजत मिल गई। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन की पहली पाली में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धनेवा धनई केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने आई महिला अभ्यर्थी की जब सुरक्षा कर्मियों ने जांच की तो मेटल डोर डिटेक्टर से आवाज आने लगी। इस पर छात्रा ने बताया कि भूत के साए को भगाने के लिए उसने तांत्रिक के सुझाव पर अपनी कमर में लोहे की माला को ताले में बंद करके रखा है, उसी से आवाज आ रही है। इस पर महिला सुरक्षा कर्मियों ने ताला खोलकर माला को निकालने को कहा। इसके बाद महिला अभ्यर्थी ने कहा कि वो माला नहीं खोल सकती, भले ही सिपाही भर्ती परीक्षा उसे छोड़नी पड़ जाए लेकिन वो ताला नहीं खोलेगी। इतना ही नहीं, गेट पर अभ्यर्थी के परिजन भी मौजूद थे। उनका कहना था कि लड़की भूत के साए से परेशान है, कई भूत उसके ऊपर सवार हैं। झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करने वाले के सुझाव पर छात्रा के शरीर पर 11 लोहे की मालाओं को ताले में बंद किया गया था। 10 भूत उसे छोड़ चुके हैं, उसके बाद ताला खुल गया था, अभी 11वां ताला नहीं खुला। ताला नहीं खुलने की बात पर अभ्यर्थी की सघन जांच हुई, कोई डिवाइस नहीं मिला। कक्ष निरीक्षक को विशेष निगरानी का निर्देश दिया गया। उसके बाद कमर में ताला लगाकर ही महिला अभ्यर्थी कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा में सम्मिलित हुई। वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें।